नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। देश के कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरकर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में छात्रों ने न्याय मार्च निकाला तो छात्रों की मांग है कि दोबारा परीक्षा नीट की कराई जाए। कुछ छात्रों ने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक मामले का आरोप छात्रों ने लगाया है और जो रिजल्ट सामने आए उससे छात्र नाखुश है और उन्हीं चीजों को लेकर छात्र छात्राएं सड़कों पर है। ये देखिए, हाथ में इस तरीके से तख्तियां लेकर के, ये पोस्टर लेकर के छात्र सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। जो नतीजे सामने आए उसके खिलाफ छात्रों का आक्रोश है ये, और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा, थमता दिख नहीं रहा। देश के कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ये छात्र। और नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई। याचिका में 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने के साथ साथ दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग की गई है। याचिका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और उनके सहयोगियों ने दाखिल की है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नई याचिका अब इस पूरे मामले में दाखिल की गई है। अलग अलग मामले चल रहे थे नीट परीक्षा से संबंधित, उसमें याचिका में एसआईटी जांच की मांग की गई है, जो नई याचिका दाखिल की गई है। तो ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। याचिका में पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की बात कही गई है। याचिका में 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई उसको रद्द करने के साथ साथ दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग की गई है। ग्वालियर की तस्वीरें सामने आ रही है, नीट के खिलाफ यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है। देखिए, नीट परीक्षार्थियों को क्या चाहिए के पोस्टर लेकर के अपनी मांगों को इस तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में, इस परीक्षा में, चाहे दाखिले की जो प्रक्रिया होती है या रिजल्ट जो सामने आया है, उन सभी में धांधली का आरोप लगाया है। और ये मामला कोई पहला नहीं है, नया नहीं है। इससे पहले भी कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। नीट के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और यहां बीवीपी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिस के बाहर नीट 2024 के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के सवाल उठाए। हमारी संवाददाता अनुष्का ने अभ्यर्थियों से बातचीत की है। 2024 में नीट के एग्जाम्स में जो गड़बड़ियां हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए एबीवीपी के जो छात्र संघ है वहां से कुछ बच्चे इस वक्त एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जो गड़बड़ियाँ हुई वो कैसे हुई। आप देख सकते हैं पोस्टर्स है सभी बच्चों के हाथ में, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। एबीवीपी के ये पूरे सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज, और साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चों से चलकर बातचीत करेंगे। यही डिमांड है कि जिस प्रकार से ये भ्रष्टता हुई है सबके सामने उजागर है, उसमें कुछ उजागर करने जैसी बात नहीं है। रीनीट कराया जाए, दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए। जो लाखों छात्र, उनके अभिभावक, उनके परिवार इस करप्शन से पीड़ित हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनके साथ न्याय हो। एग्ज़ाम जो है नीट एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से सारी मतलब ये मेडिकल का एग्ज़ाम है। मेडिकल वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों के जीवन और मृत्यु की बात होती है। अगर वहाँ पे इस प्रकार इनरेगुलरिटीज, इस प्रकार धांधली देखी जाएगी एग्ज़ाम में, तो ये पूरे बच्चों के भविष्य को ख़राब करता है। आप खुद सोचिए, आपके पास एक ऐसा डॉक्टर है जो खुद एग्ज़ाम में धांधली करके आया है, उसने वो क्या मेडिकल की पढ़ाई करेगा और क्या बाद में चिकित्सक के रूप में लोगों की सेवा करेगा। जैसा कि अभी हमारे ध्यान में है, आपने जी न्यूज़ में भी सबसे पहले इस चीज़ को कवर किया कि एनटीए द्वारा जो नीट यूजी की परीक्षा कराई गई उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि अगर रूल के हिसाब चलते, रेगुलेशन के हिसाब चलते तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी गलतियों को मानने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया एनटीए के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपने 5-6 पॉइंट्स पे चर्चा करी, लेकिन वो 5-6 पॉइंट एकदम बेबुनियाद हैं और उनका कोई सेंस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें, इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार में, दिल्ली में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह ऐसे मामले दर्ज हुए और कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई जो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के वजह से हुई हैं। और लखनऊ में प्रदर्शन के अलावा दिल्ली और पटना में भी आक्रोश देखा जा रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। 3 तस्वीरें अलग अलग शहरों की आप देख रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, पटना। नीट के खिलाफ किस तरीके से जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया से लेकर के परीक्षा जिस तरीके से कराई गई, जो परिणाम सामने आया, इन सभी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं क्योंकि एक शहर की ये बात नहीं है या कुछ शहरों की बात नहीं है, देश के कमोबेश हर शहर में हर राज्य में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां से नीट परीक्षा छात्रों ने दी है। ये देखिए क्यों सवालों के घेरे में नीट परीक्षा है, ये ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने है। एक ही परीक्षा केंद्र के 8 छात्र टॉप कर जाते हैं, सभी 8 छात्रों का एक ही रोल नंबर सीरीज देखने को मिलता है और 8 में से 6 छात्रों को तो 720 में से 720 यानी कि फुल मार्क्स मिल गए। बाकी के जो 2 छात्र हैं उनको देखिए किसी को 1 मार्क कम मिलता है तो किसी को सिर्फ 2 मार्क कम मिलता है और 8 में से 7 स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम सरनेम नहीं। ये धांधली की एक बड़ी वजह मानी जा रही है और इसी वजह से जो छात्र हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये डिटेल्स हमने आपके सामने रख दी। देखिए आरोप जो लगे हैं आप जान लीजिए आप नीट परीक्षा में कैसे खेला हुआ। पहला आरोप, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। 2020-23 तक अधिकतम जो कट ऑफ होता था 147 होता था, पहली बार जो कट ऑफ मार्क्स है वो 164 हुआ है, तो इतना हाई कट ऑफ आखिरकार कैसे चला गया। तो अब एसआईटी की जांच की मांग कर दी गई जो पहली याचिका अभी दाखिल हुई है। पहली बार देखिए 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिल गए। नीट नतीजों के खिलाफ आक्रोश क्यों है, वजह क्या है जान लीजिए। 720 अंकों की होती है कुल नीट की जो परीक्षा होती है और इनमें से एक ही सेंटर के जो 8 छात्र हैं उनमें से 6 को 720 मिल गए। सभी सवालों का सही जवाब तो 720 अंक, एक भी सवाल छूटा तो 716 अंक मिलेंगे और कुछ छात्रों को 719 और 718 नंबर कैसे मिल गए ये भी है। दूसरा आरोप ये है, वजह यह कि अगर एक सवाल गलत हुआ तो फिर आप इस तरीके से मार्किंग कैसे कर सकते हैं। 6 टॉपर का जो रोल सीरीज है, रोल नंबर जिसे हम कहते हैं, वो एक ही सीरीज का है। परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 6 टॉपर एक ही परीक्षा केंद्र से कैसे आ गए, इस वजह से ये आरोप लगे। सभी के नाम के साथ सरनेम नहीं था। नीट का पेपर लीक हुआ था 5 मई यानी परीक्षा वाले दिन, गड़बड़ी के आरोप लग गए और इसी दिन परीक्षा आपको बता दे हो रही थी। और अब बिहार समेत कई राज्यों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है पेपर लीक मामले को लेकर के और इसीलिए जो ये छात्र हैं अलग अलग शहरों में, क्योंकि अलग अलग शहरों से राज्यों से ये छात्र आते हैं, ये प्रोटेस्ट इस तरीके से कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, छात्रों का आक्रोश, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों का ये न्याय मार्च देख लीजिए। यूथ कांग्रेस का सपोर्ट छात्रों को पूरा मिला हुआ है। दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से छात्रों का न्याय मार्च लखनऊ में देखने को मिला। लखनऊ की सड़कों पर छात्र निकले, पटना में भी इस तरीके से छात्रों ने अपने लिए आवाज बुलंद की है।